नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल महाविद्यालय हमीरपुर में CSCA अभिव्यक्ति दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि को कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर अंजू बेहता सैगल द्वारा शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियाँ दी गयी, जिनका उपस्थित लोगों ने खूब आनंद लिया। कार्यक्रम में पहुँचे मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि कॉलेज प्रशासन को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा बहुत ही हाई क्लास की परफॉर्मेंसेस दी गई, जो कि काबिले तारीफ है। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन की कॉलेज प्रिंसिपल व बच्चों को शुभकामनाएं दी। हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार ने हरोली विधानसभा क्षेत्र के खंड में 580 परिवारों को गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत निशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए। इस अवसर पर प्रोफेसर राम कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की गृहिणी योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनता के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं चला रही है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों का जीवन स्तर सुधारने के लिए हर संभव मदद दी जा रही है। प्रदेश सरकार 1 लाख से अधिक परिवारों को किसी न किसी योजना से जोड़ने का प्रयास कर रही है, ताकि उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके। हर व्यक्ति को घर, बिजली, पानी, स्वास्थ्य बीमा तथा रसोई गैस की सुविधा प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। प्रोफेसर राम कुमार ने कहा कि खाना पकाने के लिए वर्षों से लकड़ियों का इस्तेमाल करने वाले परिवारों के लिए प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना वरदान साबित हुई है। योजना के तहत पात्र परिवार जहाँ निःशुल्क गैस कनेक्शन मिलने से लाभान्वित हो रहे हैं, वहीं गृहिणियों को रसोई के धुएं से भी निजात मिली है। गौ माताओं की सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जिला गौरक्षा प्रमुख अर्पण चावला व उनकी टीम ने रेडियम कॉलर सड़क पर बेसहारा घूमती गौ माताओं के गले में पहनाना शुरू किए। ये रेडियम कॉलर रात को वाहन की रोशनी से 200 मीटर दूरी से चमकने लग पड़ता है और वाहन चालक सचेत हो जाता है कि आगे सड़क पर कोई बेसहारा गौ वंशज है। इससे गौ वंशज और वाहन चालक दोनों ही सुरक्षित हो जाते हैं। रेडियम कॉलर धुंध हो या बारिश, हर परिस्थितियों में चमकता है। अर्पण चावला ने बताया कि अभी तक 345 गौ माताओं को रेडियम कॉलर पहनाए जा चुके हैं और उसके बाद जो परिणाम निकल कर सामने आए हैं, वो चौंकाने वाले हैं। यहाँ पर महीने में प्रशासनिक अधिकारी स्थानीय लोगों और निस्वार्थ गौ सेवकों की सहायता लेकर गौ वंशज की महीने में 15 से 20 गौ वंशज की मलहम पट्टी और फिर गौशाला में गौ वंशज को पहुंचाने का कार्य करना पड़ता था। अब रेडियम कॉलर पहनाने से दुर्घटना में भारी कमी आई है और दुर्घटनाओं का महीने का ग्राफ 1 या 2 गाय का रह गया है। रेडियम कॉलर लगाने से दुर्घटना में भारी कमी आई है और रेडियम कॉलर गौ वंशज के लिए किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। जिला ऊना के घंडावल गांव में पेश आए दर्दनाक हादसे में जहां मां बेटी की मौत हो गई, लेकिन बेटी नीति मरकर भी हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। नीति की मौत के बाद उसके शरीर के बहुमूल्य अंग कई लोगों को नया जीवन प्रदान किया है। नीति ने ऊना कॉलेज से स्नातक तक पढ़ाई की थी। नीति भले ही पुलिस अधिकारी बनने का सपना पूरा नहीं कर पाई, लेकिन मौत के बाद जो उसके जीवन का इतिहास लिखा गया, वह युगों युगों तक याद रखा जाएगा। कहा नीति के माता पिता ने उसकी शादी के सपने संजोए थे, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। एक सड़क हादसे ने इस परिवार की सारी खुशियाँ छीन ली। एक तरफ मां की जान गई तो दूसरी तरफ बेटी वेंटिलेटर पर मौत के आगोश में चली गई। बेटी के पिता को जब चिकित्सकों ने उसकी
बेटी की मौत की खबर सुनाई तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। पीजीआई के चिकित्सकों ने जब उनको बेटी के अंगदान करने के बारे में बात की तो उनके पिता एक पल के लिए तो तैयार नहीं हुए, लेकिन बेटी ने अपनी मौत से 3 दिन पहले परिवार को मरने के बाद शरीर के अंगदान करने की सलाह जरूर दी थी, क्योंकि ये शरीर किसी के काम आ सके और लोगों को जिंदगी मिल सके। उनकी माने तो मरने के बाद भी हमारे सभी अंगों को खाक में ही मिलना है, तो कितना अच्छा होगा कि मरने के बाद ये अंग किसी को जीवन दान दे सके। नीति ने 5 लोगों को नई जिंदगी दी है और उसकी वजह से आज 5 लोग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं और इन 5 लोगों में भी नीति मरकर भी जिंदा है। वही नीति की बहन की माने तो उसकी बहन काफी होनहार थी और हर काम आगे बढ़कर करना चाहती थी। उसका सपना पुलिस अधिकारी बनकर देश व समाज सेवा करना था। नीति ने पुलिस में भर्ती होने के लिए 2 बार प्रयास भी किए थे, लेकिन उसकी किस्मत तो शायद भगवान ने कुछ और ही लिखा था। गंडावल की नीति बेशक अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसका जिगर और आंखें जिंदा रहेंगी। एक तरह से नीति मौत के बाद भी जिंदा है। नीति के परिजनों ने जो मिसाल पेश की है, इसका जिक्र हर जुबान पर हो रहा है। अब परिवार के लोग यही चाहते हैं कि वे उन लोगों से मिलना चाहते हैं जिन्हें नीति के अंग डाले गए हैं, क्योंकि उन्हें उन लोगों में अपनी नीति दिखती है। नीति की मंगनी करीब करीब पक्की थी और आखिरी समय में उसे लाल जोड़े में नीति को अंतिम विदाई दी गई।